अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको पिक्सल लैब के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और प्रैक्टिकली करके सिखाने लगा हूं। तो सबसे पहले आपने मोबाइल की स्क्रीन पे आना है और सर्च बार पिक्सल लैब लिखने, मैंने पिक्सल लैब इंस्टॉल किया कर लें, और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करता हूं। जी मैंने इसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले ये इंटरफेस आता है, क्योंकि मैंने पहले एक बनाया हुआ था, तो ये मैंने कैसे बनाया था, काश मैं तेरे असी हाथ का कंगन होता। तो सबसे पहले जूँ ही आप पिक्सल ऐप खोलते हैं तो आपको कुछ ऊपर और कुछ नीचे बार जाहिर होते हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, फिर उसके साथ एक कैमरे की तरह आइकन नज़र आ रहा है, फिर उसके साथ एक शेर का, और फिर उसकी तरफ तीन बटन, और फिर ये आपको पेंसिल का निशान आ रहा है, फिर आपको डस्टबिन बॉक्स जैसे होती है डिलीट बॉक्स, उसका निशान नज़र आ रहा है। तो फिर आपको जो है ना कोई चीज़ आप डिलीट कर देते हैं तो रीडू का ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद आपको बार सी नज़र आ रही है, और फिर इस तरह आपको तीन किताबें सी नज़र आ रही हैं। तो इस्तेमाल में इंतहाई आसान है। आप देखते हैं सबसे पहले जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है, ठीक है, तो ये इसके टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। हमने सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, ये इस डिलीट बार से ये देखें, ओके क्या ख़त्म हो गया। तो अब आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ये इसके लिए ये ऑप्शन सारे आ जाते हैं इस पर, अगर आपने काम करना है तो इस पर ये सारे ऑप्शन आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, जो कि पिक्सल लैब की इंट्रोडक्शन के बारे में थी। अब मैं आपको मज़ीद इस तरह की क्लासेस दूंगा, तो आप पिक्सल लैब सीखने के लिए मेरी क्लासेस लें, ताकि आप भी इसमें मास्टर बन सकें।